आज है संडे और आज शाम को मेरी बस है काउनस के लिए, बिकॉज कल से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो उसको मिस नहीं करना है। और होटल से चेकआउट वगैरह हो गया है तो चलो ठीक है। और कैफेचिनो मैंने ऑर्डर कर लिया है, वो दिखाता हूँ आपको। उसका कॉस्ट है 2.40। तो ये है अपनी कॉफ़ी और चलो भी पीते हैं और देखते हैं कैसा है। तो कॉफ़ी पीने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बस स्टेशन बस लेने के लिए। ये छोटी सी बस है, ये बस लेके जाएगी मेन बस स्टेशन के पास एंड वहाँ से बस लूँगा काउनस के लिए। तो चलो भी चलते हैं। लेकिन ठंड बहुत है यार, अब लग रहा है कि मैं ग्लव्स नहीं लगा कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है। और स्पेशली मैं दिल्ली से हूँ तो लाइक 5 से ज़्यादा अगर नीचे जाता है टेम्परेचर तो हम लोगों को काफ़ी ठंड लगती है। और यहाँ तो लाइक हवा इतना तेज़ है और इतनी ठंड, माई गॉड, बयान नहीं कर सकता मैं आप लोगों को कितनी ठंड है यहाँ पे। बट ओवरऑल ये सिटी बहुत अच्छी है, मैं रिकमेंड करूँगा आपको आने का यहाँ पे, कि आप आओ यहाँ पे और अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखना चाहते हो तो ये काफ़ी सही रहेगा। ओल्ड टाउन वैसे बहुत ब्यूटीफुल है तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख के। अगर आप ओल्ड टाउन में रहते हो और मेन बस स्टेशन जाना है बस लेके डिफरेंट सिटी जाने के लिए, तो 8 नंबर की बस लेना है यहाँ से। तो ले लिए मैंने टिकट और अब जा रहा हूँ मैं मेन बस स्टेशन के पास। पता नहीं क्यों इस शहर से जाते हुए थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ, बिकॉज़ काफ़ी कनेक्ट कर पा रहा था मैं इस शहर से अपने आप को, थोड़ा सैड है। लेकिन मे बी समर्स में आऊँगा यहाँ पे, सुना है काफ़ी सही लगता है और ये समर्स में। तो ये देख सकते हो आप, मैं आ चुका हूँ क्लैपेडा मेन बस स्टेशन पे, ये पीछे है। और चलो अब इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं बस कौन सी है। बस तो ऐसे 20 मिनट में जाएगी तो चलो अभी देखते हैं। वैसे ये छोटा सा बस स्टेशन है एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे भी अगर आप यहाँ लिथुएनिया में एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करोगे तो कोविड पास होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज एवरी स्टेप जैसे भी आप जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटीज़ वगैरह आपसे वो कोविड पास मांगेंगे कि हाँ भाई आपने आप फुली वैक्सीनेटेड हो या नहीं, तो इसका ख्याल जरूर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ तो सही है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देना था कि जैसे मान लो आप आते हो बस स्टेशन पे वगैरह बस लेने, तो यहाँ पे वॉशरूम अगर यूज़ करते हो तो वो पेबल है लाइक 50 सेंट्स, यानी कि अगर आप इंडियन मनी से कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट 40 से 45 रुपये लग जाएंगे यार। ये मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए यूरोप में। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर भीड़ कितनी है यार, ये देख सकते हो आप भाई, लोग ही लोग हैं यार यहाँ पर, हम इंडियंस को कहते हैं इतने भीड़, इनकी बसों में भी भीड़ है यार। तो चलो सीट मिल गई, अब बैठ चुका हूँ और अब जर्नी शुरू होती है काउनस की तरफ। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ काउनस और अभी सिर्फ शाम के 6:30 बजे हैं और लग रहा है जैसे 10:30 हो गया है। मैं ट्रैवल अपने एक दोस्त के साथ कर रहा था तो उसके होटल छोड़ूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा अपने डॉर्मेट्री। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ट्रैवल के दौरान कोविड सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, सो जैसे यहाँ पे मैं उतरा और ये बंदे ने मांगा कि आप कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ, क्योंकि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी आ रहा हूँ। और चलो अभी मैं बस पकड़ता हूँ और अपने फ्रेंड को छोड़ता हूँ उसके होटल, फिर मैं जा रहा हूँ अपने डॉर्मेट्री। अगर आप ओल्ड टाउन जाते हो तो 2 बसेज जाती हैं, 6 और 18 नंबर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ओल्ड टाउन। तो अगर आप काउनस में आते हो और ओल्ड टाउन जाओगे तो 6 और 18 नंबर की बस जाती है, ये ज़रूर याद रखना।